हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टाइल यूनिक फैशन। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ट्रेडिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं 30 इंच सीने की शर्ट की कटिंग। इनका नाप आप लोग समझ लीजिए। शर्ट की लंबाई 26 इंच है, सीना जो है 30 इंच है, कमर जो है पेट 28 इंच है, हिप 32 इंच है, 16.5 इंच इनका शोल्डर है, 22.5 इंच आस्तीन है, 13.25 इंच इनका जो है गला है। दोस्तों, ये बड़े पने का कपड़ा हमने लिया हुआ है, कपड़ा 140 लिया हुआ है, साइज़ आपको बता दिया हमने है। अब पहले सबसे पहले शर्ट में हम क्या करते हैं, कपड़े को अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। चेक करके इसके बाद जो है ये कपड़ा देखिए प्लेन हमने लिया हुआ है। कपड़े दोनों पल्ले को एक बराबर कर लेंगे, पहले एकदम बराबर करके स्टार्ट करेंगे। दोनों पल्ले को हमने एक बराबर कर लिया है। इस तरीके से हम एकदम ऐसे सेट कर लेंगे कपड़े को। इसके बाद हम पहले सबसे पहले दामन नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम एक सीधा ऐसे निशान लगाएंगे, देखिए ऐसे। इसके बाद जो है हम इसमें हम अब 1.25 इंच का और जो है इसमें निशान लगाएंगे। ये 1.25 इंच हो गया। इसके जो है कटिंग वाली जो शर्ट हम इसकी कटिंग करेंगे। कम साइज़ की दोस्तों शर्ट है। यहाँ से लंबाई पल्ले रखेंगे 26.5 इंच पे हम रखेंगे, 26 इंच लंबाई, 1/2 इंच इसमें ऊपर जो सिलाई में दबेगा उसको बढ़ा के 26.5 पे हम निशान लगा लेंगे। अब जो ये कोर जो दिख रही है ये सेलवेज, इसको हम काट के निकाल देंगे। तो यहाँ से इसको निकालने के बाद से जो है हम इसको नापेंगे और इसकी फिसिंग का निशान लगाएंगे। तो इसको हम छोड़ करके 1.25 इंच पे जो है हम निशान लगाएंगे, 1.25, यहाँ भी 1.25, यहाँ पर भी 1.25, मतलब ये सेलवेज जो है इसको हम काट के निकाल देंगे। इसके बाद से हम जो है 1.25 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। एल स्केल से हम इस निशान पे हम इसको ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे। इसको एकदम हम सीधा कर लेंगे, नीचे तक एकदम सीधा करके मिला लेंगे, देखिए ऐसे। अब इस निशान पे हम इसको रख के इस निशान पे हम इस तरह से एकदम ये सीधा हमारा निशान ये होना चाहिए। दोस्तों देखिए ऐसे एकदम सीधा निशान ये लग गया। इसके बाद जो है हम गले का निशान लगाएंगे। गला जो है 13.25 इंच है, तो 2.5 इंच एक सूत पे हम निशान लगा देंगे, 2.5 इंच एक सूत। और शोल्डर इनका जो है 16.5 है, तो उसका हम आधा करेंगे तो 8.25 इंच आएगा। इसमें 2 सूत सिर्फ बढ़ा के हम निशान लगाएंगे, सिर्फ 2 सूत का हम निशान लगाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ से हम 2 इंच हम यहाँ से डाउन करेंगे, 2 इंच। और सीना देखिए सीना अब हम देखिए आर्मोल के निशान लगाएंगे, तो आर्मोल के निशान कैसे लगाएंगे। सीना देखिए 30 इंच है, तो 30 का हम चौथाई करेंगे, 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। 30 साइज से कम का जितना भी सीना है तो हम उसको चौथाई पे ही रख देंगे। अब इसको हम यहाँ से ऐसे एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से पहले सीने का निशान लगाएंगे, पेट का लगाएंगे, हिप का निशान लगाएंगे। तो सीने का निशान देखिए कैसे लगाएंगे। सीना जो है इनका जो है 30 इंच, इसका चौथाई करेंगे, 7.5 इंच, 7.5 पे हम ऐसे निशान लगाएंगे। और इनकी लूजिंग 1.25 इंच रखेंगे, मतलब यहाँ से 1.25 इंच हम इसकी लूजिंग रख देंगे। ये मीडियम फिटिंग में आएगा। और यहाँ से जो है हम पेट वाला निशान लगा देंगे, देखिए 26 इंच है, तो लंबाई का जितनी लंबाई रहेगी उससे जो है 2.5 इंच इसमें ऐड करके यानी 15.5 इंच पर निशान लगा के यहाँ पर हमारा पेट का निशान लगेगा। पेट जो है 28 इंच है, तो इस 28 का चौथाई करेंगे तो 7 इंच आएगा, 7 ये हो गया। और इसमें 1.25 इंच इसमें और ऐड कर लेंगे ऐसे।
हिप का जो है हम निशान लगा देंगे, हिप जो है 32 है, 32 का चौथाई करेंगे 8 इंच आएगा। यहाँ पर भी 1.25 इंच का जो है हम लूजिंग दे देंगे ऐसे। अब हम सारे निशान को देखिए मिला लेंगे। देखिए ऐसे निशान मिलाएंगे, ऐसे इस तरह से निशान हम मिला लेंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ तक इसको निशान लगाएंगे ऐसे। इसको हम सीधा निशान लगा लेंगे तख्ती जो है हम सीने के चौथाई पर रख देंगे। इनका सीना जो है 30 इंच है तो इसका चौथाई हम रखेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 7.5 पे हम ऐसे निशान लगा देंगे और निशान लगा के हम इसका इस तरह से जो है मुट्ठे का निशान लगा लेंगे। ऐसे ओपन कट शर्ट है तो यहाँ से हम इसकी राउंडिंग कर लेंगे। जिस हिसाब से शेप देना होता है उसी हिसाब से हम जो है इसकी राउंडिंग कर लेंगे। हल्का देना है, ज़्यादा देना है, जैसा देना है हम उसी हिसाब से कर लेंगे। यहाँ 2.25 इंच पे निशान लगा के हम इसका इस तरह से हाले का निशान लगा देंगे। अब सीधे वाले निशान से 8.25 इंच पे हम पॉकेट का निशान लगा देंगे। 8.25 इस आगे से निशान से 2.25 पॉकेट की साइज़ हम 4.5 इंच रख देंगे और लंबाई हम 5 इंच रख देंगे। जैसा शेप देना है पॉकेट का वैसा निशान लगा देंगे। निशान दोस्तों देखिए ये पूरा ये लग गया है। अब चलिए हम इसी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों इसको जो है फिक्स भी हम काट सकते हैं लेकिन अभी फिक्स नहीं काटेंगे। पहले हम इसको यहाँ से ऐसे सीधा ले जाएंगे, इसके बाद हम इसको काटेंगे। दोस्तों देखिए ये फ्रंट की कटिंग हमारी हो गई है। अब चलिए हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग देखिए दोस्तों कैसे करना है। इसमें सबसे पहले ये नापना होता है कि जो है कहाँ पर ज़्यादा है। अगर सीने पे ज़्यादा है या हिप पे, जहाँ भी ज़्यादा होगा उससे हम 1.25 इंच ही कम करके जो है उतनी बैक रखेंगे। देखिए दोस्तों जो है हिप पर देखिए 1.5 इंच आ रहा है तो हम 9 इंच की हम बैक रखेंगे। तो 9 इंच पर पहले हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से जो है हम देखिए ऐसे 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से देखिए हम देखेंगे 8 में 1 सूत कम आ रहा है तो यहाँ पर भी 8 में 1 सूत कम पे हम ऐसे निशान लगा के दोनों जो है इसको और इसको ऐसे पकड़ लेंगे। अब ये एकदम बराबर जो है हमारा ये फोल्ड हो गया है। इसको नापना नहीं पड़ेगा अब ज़्यादा। ये देखिए इतना एकदम आराम से ये फोल्डिंग हो गया है। इसको ऐसे कर लेंगे। इसके बाद जो है हम फ्रंट को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर भी हम निशान देखिए दोस्तों लगा लेंगे। ये 1.25 इंच पे हम पहले यहाँ निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे एक, और एक निशान यहाँ 1.25 इंच पे हम ऐसे लगा लेंगे। अब इसी के बराबर नीचे वाला पल्ला रहेगा। यहाँ से हम इसको ऐसे चेक कर लेंगे एकदम बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम इसी के बराबर दोस्तों देखिए आ रहा है ये। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। पहले यहाँ पे हमको एक ऐसे निशान लगाना है। निशान लगा के
डेढ़ इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, डेढ़ इंच हो गया ये। इसके बाद जो है हम इसको ऐसे निशान लगाएंगे। शोल्डर देखिए 16.5 इंच है तो उसका हम हाफ करेंगे तो 8.25 इंच आएगा। दो सूत यहाँ पर भी बढ़ा के 8.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे और इसको जो है हल्का अंदर की तरफ जो है शेप देते हुए ऐसे निशान लगाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से छिछले में हम मिला देंगे। देखिए निशान ये हमारा लग गया है। अब हम चलिए इसी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट और बैक की ये कटिंग ये पूरी हो गई है। अब इसके बाद जो है हमको आस्तीन की कटिंग करना होता है। तो आस्तीन की कटिंग कैसे करना होता है, हम जो है ये मोड़े को नाप लेंगे, नाप के इसके बाद जो है हम आस्तीन कटिंग करेंगे। पहले इस तरह से जो है देखिए हमको नापना होगा कि हमारा कितना आ रहा है। ये 7.25, 7.25 को यहाँ रखेंगे, 15 इंच, और इसमें 3 इंच और ऐड करेंगे, 15 × 3 = 18, 18 इंच हमको आस्तीन चाहिए। तो चलिए अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। हमारा जो है मुड्डा जो है 18 इंच जो है हमको रखना है। तो यहाँ से इस तरह से जो हम चेक कर लेंगे, 9 × 18 और सीने का जो है चौथाई पे हम निशान लगाएंगे। सीना देखिए 30 इंच है, उसका चौथाई करेंगे 7.5। तो 7.5 पे हम पहले इसे फोल्ड कर लेंगे, करके इसके बाद जो है हम निशान जो है लगा लेंगे। 7.5 पे देखिए हमने फोल्ड कर दिया है, फोल्ड करके पहले सीधा एक निशान जो है ऐसे लगाएंगे। देखिए ऐसे। अब जो है दोस्तों देखिए ये मोड़े जो है हम इसकी जो है डाउन करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ से सीना जितना रहेगा उसका 8वां भाग पे जो है इसको डाउन कर दिया जाता है। सीना देखिए 30 है, इसका 8वां भाग हम रखेंगे, 4.25 इंच आएगा। 4.25 इंच देखिए हम ऐसे निशान लगा के हम आस्तीन को डाउन कर लेंगे और सीने का चौथाई पर हम ऐसे निशान लगा देंगे 7.5 पे। इसके बाद हम निशान लगा के चेक कर लेंगे कि हमारी जो है आस्तीन सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। ऐसे अब देखिए आस्तीन 22.5 इंच है, तो आस्तीन 22.5 है तो इसमें हम 1.25 इंच कम से कम ऐड करेंगे। वैसे जो है 1 इंच ऐड कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसलिए कि जो है थोड़ी सी चौड़ी सिलाई वाला बनते हैं मोड़े पे। तो हम इसमें 1 इंच ऐड करके 23.5 पे हम ऐसे इंची टेप को ऐसे यहाँ से रखेंगे और इसको ऐसे इंची टेप को सीधा लेकर आएंगे। अब जितना हमको कफ रखना है, कफ देखिए 2.25 इंच ही हमको रखना है, तो ये 2.25 इंच एक आ रहा है तो इसमें हम 0.5 इंची सिलाई में जो दबेगा उसको माइनस करेंगे, यानी कि जो है 2.25 में 0.5 इंच माइनस करेंगे तो 2.25 पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब जो है यहाँ पर हम रखेंगे कफ के हिसाब से रखेंगे, कफ देखिए हम इनकी 8.5 इंच ही रखेंगे, 8.5 का जो है आधा करेंगे तो 4.25 इंच आएगा। इसमें जो है सिलाई का ऐड करेंगे तो 0.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे तो 4.25 इंच आएगा, और इसमें 0.5 इंच और ऐड करके हम जो है इसका निशान लगा देंगे। 0.5 इंच जो हम इसमें बढ़ाए हैं उसमें एक प्लेट डाल देंगे तो आस्तीन हल्की ढीली रहेगी। इसके बाद इसको जो है यहाँ एक ऐसे निशान लगाएंगे और एक निशान जो है ऐसे लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम इसको यहाँ से अब चेक कर लेंगे कि 18 इंच आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से ऐसे नापेंगे, जो
जी हमारा जो है एक सूत कम आ रहा है, एक सूत कम आ रहा है तो हम इसको एक सूत यहाँ से ऐसे बढ़ा लेंगे ऐसे। तो दोस्तों जो है ये आसीन का देखिए निशान ये लग गया है। अब चलिए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। आसीन देखिए हमारी ऐसे कट गई है। अब इसको हम गल्फी का निशान लगाएंगे, जो यहाँ जो खुलेगा इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के एकदम जो है ऐसे सीधा कर लेंगे। जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ रहेगा। इसके बाद जो है हम यहाँ एक ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे कट का निशान लगाएंगे। ये हो गया। इसके बाद इस यहाँ से हम कसर जो इसकी निकालेंगे थोड़ी ऐसे। देखिए इस तरह से आसन की कटिंग होगी। इसके बाद हम दूसरी आसन कटिंग कर लेंगे। पौने 5 इंच हम इसको खोल देंगे। जितनी हमारी कफ रहती है उसी हिसाब से इसको खोला जाता है। ये हो गया। अब हम शोल्डर का कटिंग कर लेते हैं। अब हम देखिए शोल्डर कटिंग कर रहे हैं। शोल्डर हमारा 16.5 है, इसमें आधा इंच और बढ़ा के, मतलब पहले 16.5 का आधा करेंगे 8.25 आएगा, और इसमें आधा इंच और बढ़ाएंगे 9.25 इंच पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ तक 9.25 इंच पे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। अब हमको क्या करना है, ऐसे सीधा पहले एक निशान देखिए ऐसे लगाएंगे ऐसे, और यहाँ इस निशान से 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से इस निशान से 1.5 इंच एक सूत पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर जो है हम शोल्डर का हाफ करेंगे तो 8.25 इंच, और 3 सूत और बढ़ा के 8.5 इंच एक सूत पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम 8 इंच 8.25, और यहाँ सिर्फ 2 सूत का पे हम निशान लगाएंगे। हाले का निशान देखिए कैसे लगाएंगे। हाले का निशान हमने फ्रंट में 2.5 इंच एक सूत पे लगाया है, तो इसमें जो हम एक सूत और बढ़ा के 3.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगाएंगे, और एक निशान जो है इसी को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे देखिए ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे ऐसे। निशान दोस्तों देखिए इसका लग गया है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों शर्ट की देखिए कटिंग ये पूरी हो गई है। कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।